थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है ना तुम्हें? तुमने मेरी और मेरे बाप की इज्जत दो गोली की करा दी बिल्कुल। ना मैं मैके की बची, ना मैं ससुराल की। अरे मैंने तुमसे इसलिए करी थी शादी, लालच है तुम पे। भाई तुम सिर्फ नाम के ही मर्द हो क्या? तुमसे 850 रुपए नहीं देगा उसके कमा के? तुम्हें पता है मेरे पापा की कितनी इज्जत है गाँव में? आज तुमने वो सारी मिट्टी में मिला दी, नाले तो तुम पे जाओ। साड़ू यार क्या हरकत है ये? अभी तो तुम कह रहे थे मुझसे कि मैंने तौफीक को सामान लगवाया है, तौफीक को एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, अब देख रहे हो क्या सुन रहे हैं हम ये? कम से कम पैसे ना थे मुझसे बता देते, मैं दे देता। लानत है यार साड़ू, लानत है तुम पे शायद लानत। आज तक इनसे औलादे नहीं हुई है, ना कोई खुशखबरी दी है, गांव में बेइज्जती और करवा दी मेरी। क्या हुआ? बाबू देखिए कुछ कह रहा है। हालू साड़ू तुम्हें बुला रिया? ये भोसड़ी का मुझसे क्या कह रिया है? सुनिए कुछ कह रही है तुम्हें। हाँ बहन जी। हालू तुम पे नाराज है। क्या साहब? कुछ ना, वैसी भोसड़ी का सुननी मिली गई। बताओ यार कितना बुरा टाइम आ गया, पेट के अंदर का बच्चा मुझे लानत दे रिया। फिर कोई ना कोई काम होगा। हाँ अबू छत पे बैठा हूँ, जाओ काम ही होगा भैया पता है। शायद यहाँ बैठे हो, ये नहीं जाके रिचार्ज करा लूँ, जाइयो रे भाग के। ना ना ना, तुम्हें पता ना इनके ऊपर कितना कर्जा, तुम्हारे पैसे मार लिए तो। अरे मैं चोर हूँ कौन हूँ, और मैंने पैसे कम मार लिए तुम्हारे? तुम तो बिल्कुल नंगा समझ रहे हो मुझे। अबू जी देखिए 500 रुपए दे दो, उसका तनवीर का उधार निपटाना। ना तो इन्हें मत दियो, बहुत जरूरी। सालो अगले साल सरकारी नौकरी का पेपर निकल लिया, नौकरी लग गई ना एक बार तो सालो तुम्हें काटूंगा तो जरूर एक एक को। पर यार मेरी तो उम्र निकल गई, मैं तो सारी उम्र इनके सुन के रहना। अरे उठो सब जल्दी से, अस्पताल में जल्दी से, राशि तुम जल्दी से अपनी बिलारो निकालो, साइड चलो जल्दी। शिट बोल दे यार जल्दी, रेल की पटरी आ गई। अबे यार बीड़ी की तलब लग रही है, उतर के पी लूं क्या? ना इस बार नहीं पीऊंगा, पिछली बार बहुत सुअर भागना पड़ा। एक काम करता हूँ आगे जाके पी लूंगा, राशिद को दिख जाऊंगा अपना आप गाड़ी रोक लेंगे। रोक लेंगे, अरे तो और तेज कर रहे हैं। राशिद भाई, राशिद भाई, राशिद भाई, राशिद बेटे किस चीज की आवाज है? अरे पता ना तू गाई आवाज है। अरे चल होगी, चला तू। देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, बच्चा भी सेफ है इनका। और हाँ ठंडा गर्म खाया था क्या आपने? जी आइसक्रीम खाई। ध्यान रखिए परहेज है इनका। किसने खिलाया था इसे अंडा? आइसक्रीम तो साहिद भाई ने खिलाई थी सबको। अबे साहिद को शर्म आनी चाहिए, तुम्हें पता है बहू पेट से है, तब भी उसे आइसक्रीम खिला दी, कोई तरीके है ये? है कहाँ है साहिद? ये साहिद भाई मुझे पहले से ही अच्छे नहीं लगते हैं। पापा तुम्हें ना पता बहुत काम चोर है ये, काम से तो ऐसे बचे हैं जैसे ऑल आउट से मच्छर। है कहाँ है साहिद? अब कहीं पड़े होंगे आराम फरमा रहे होंगे, ये नहीं पता घर में कोई बीमार भी पड़ा। सबसे पहले मैं ही आया हूँ। वाह साहिद तुम तो यहाँ पे आराम फरमा रहे हो। चोट लग गई। अबे शर्म आनी चाहिए साहिद, जरा सी खुरांच के आइए, तुमने तो बिस्तर पकड़ लिया। ये दवाइयाँ लिख दी है मैंने, जाके मेडिकल से ले लो। लाओ भाई तुम क्यों लाओगे, बड़े तो हैं ये।
दवाई लेकर आई है, तुम्हारी सारी हरकतें जानूंगा मैं, कोई बहाने मिला रहे हो, जल्दी जाओ। हाँ भाई तुम टेंशन की ले रहे हो, ठीक हो जाएंगी, वो ले आएंगे दवाई, आओ तुम बैठो। सालों को लंगड़े लूलो पर भी रहम नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर इसे मेडिकल नहीं मिलता। मैंने नहीं देखा, दवाई दे दियो। कितने साल से नौकरी कर रहे हो इनके वहाँ? अरे यार नौकर नहीं हूँ मैं, इनके घर का बड़ा दामाद हूँ। बड़ा दामाद? कितने बेचते थी वाला? क्या बताऊँ यार, मेरी शादी को 5 साल हो गए और मेरा कोई बच्चा नहीं है अभी तक, इसलिए ये मेरी इज्जत नहीं करते। इसके 1 साल भी हो गया। अबे तो यार इसका इलाज तो है। वो जाना सच में कहाँ जाना पड़ेगा? मैं एड्रेस लिख कर दे दूंगा, चले जाइए। ठीक है अब देखेंगे इनका चलो। क्या रहे हो, लिया है दवाई? दवाई तो मैं भूल गया। बाबला बनने में कोई कसर मत छोड़ियो। सही कहा मैं, मोहल्ले वाले फट जाना का दूल्हा तो बाबला। ला रही हूँ मट्टी पलित करवा रखी मेरी हर गई। दवाई तो दे दे यार। लो जी, अब कुछ कहोगे खामोशी बैठे रहोगे? फट जाना, मैं ये कह रहा था कि हम बच्चा कर लेते। इस उम्र में बच्चे? पागल हो रहे हो क्या? इस उम्र में क्या मतलब है तेरा उम्र से? तू मुझे बुढ़ा समझ लिया क्या है? जाओ माल तो खत्म हो गया तुम्हारा सारा। अबे कुछ माल वाल खत्म नहीं हुआ, ये तो चप्पलों में से आवाज आ रही है। तो इन चप्पलों से BGM बना लो फिर। यही चप्पल तुझ पे फेर कर कब्बाली की धुन ना बना दूं मैं? एक मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई है, बच्चा हो जाएगा। इतने टाइम से कहाँ सो रहे थे तुम, तब याद ना आई बच्चे की? फालतू बात मत करे, तू ये बता चल रही है या ना? ना मैंने आ रही। मत जा, मैं तो ये सोच रहा था कि उधर से आते हुए एक शानदार सा सूट दिलवा दूं। अजी आते क्यों ना हो, लेट कर रहे हो, डॉक्टर भी चले जाएगा और मार्केट भी बंद हो जाएगी, जल्दी आओ। अबे ब्लैक होल की थ्योरी समझ में आ जाएगी, लेकिन औरतों का दिमाग समझ में नहीं आएगा। खैर हमें क्या इज्जत मिलेगी बच्चा होते ही। अरे कहाँ है तुम्हारे डॉक्टर साहब, जल्दी से बुलाओ मेरे बच्चे डालो, मेरे पास इतना टाइम ना है, मार्केट से दो थोड़ी कपड़े लेने हैं मुझे। अरे आपको ऐसी क्या दिक्कत है, हम कर देंगे ये बच्चे दिन रात का हमारा यही काम है, दिन रात। अबे क्या कर रहे हो, तुम्हारा केस नहीं है ये डॉक्टर सिंस का केस है, भागो ऐसे। अबे क्या जगह है यार ये, कितने बदतमीज डॉक्टर है। जवाब देख लिया है, अपनी बीवी की जवान को देख ले, जिस हिसाब से चल रही आज डिलीवरी हो जाएगी। इसकी जवान की तो वजह है जो आज तक मुझे इज्जत नहीं मिली। जल्दी से बुला ले मेरे बच्चा डलवा, मुझे मार्केट जाना है, दो थोड़ी कपड़े लेने हैं। सच छुपाना यार ये। ये तो जॉनी सिंस है, तुम जानो है ना? हाँ लिया है। हाँ यही तो है जो तुम्हारी समस्या हल कर सकता है, आओ जल्दी। अबे ये सिनेरियो तो देखा हुआ लग रहा, पहले ये लड़की को अंदर बुलाएगा और साथ में सबको, फिर सबको बाहर जाने को बोल देगा और अकेले लड़की का काम बजाएगा। आप सबको बाहर जाना होगा। ना हम बाहर नहीं जाएंगे, जो भी दवाई तुम मुझे दे दो मैं अपने आप दे दूंगा। आपसे मेरा कैप्सूल झेला नहीं जाएगा। क्या मतलब झेलेगा ना? अरे डॉक्टर साहब का मतलब अपने हिसाब से चेकअप वेकअप करके दूंगा दवाई, आओ तुम मेरे साथ चलो। ना मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अरे या तो तुम बाहर चले जाओ, वरना मैं घर को जा रही हूँ। ठीक है जा रही हूँ। काम निपटा दिया दिखे, क्या हो गया? अबे कौन है बे, बाहर निकालो इसे। सॉरी डॉक्टर साहब सॉरी। यार क्या हो रही होगा अंदर, बर्दाश्त नहीं हो रही, देख ही लेता हूँ यार। मैं
क्या है तुझे? ले मैं कर ही ना रही है ले। डॉक्टर साहब सॉरी, अब ना आऊंगा डॉक्टर साहब, सॉरी जा रही हूँ मैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। किंग से भी दो मिनट का सबन ना हुआ, बाहर बैठ जाते ना दो मिनट तो मैं डाल ही देता। बताऊं तुझे अभी, और एक तो तू अपनी जवान सुधार ले, डाल देते। क्या तरीका है ये? ये सब छोड़ो, अपने वादे के मुताबिक मुझे मार्केट से दो थोड़ी सूट दिला ला। दिलवाऊं सूट? ये चप्पल देख रही है अभी, इकट्ठे सूट दिलवा दूंगा। अरे क्या हो गया साहिद भाई, कहाँ खचेड़े फिर रहे हो भाभी को? अरे यार परेशान कर रखा तेरी भाभी ने। अरे लाओ इस परेशानी को हमें दे दो फिर। क्या कह रही है आप? अरे मैं कह रही हूँ तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी, बताओ तो क्या हो गया? अरे यार बच्चे की परेशानी है, बच्चा नहीं हो रही है। अरे लाओ मैं हेल्प कर दूं भाभी की। हैं? मतलब तुम्हारी? अरे एक डॉक्टर है जो सिर्फ लात मार के बच्चा पैदा कर देता। लात मार के बच्चे पैदा होने लगे? अबे हमने तो सुना बच्चे मार के पैदा हो। अरे बहुत बढ़िया डॉक्टर है, लात मार के ही कर देगा। अगर कुछ और मार के करवाना हो तो बताओ मैं कर दूंगा। क्या यार तू पिट नहीं मान रहा? अरे शायद भाई तुमसे चेत रहो यार, लो मैं एड्रेस दे रही हूँ तुम्हें, इस एड्रेस पे चले आओ। बहुत बढ़िया डॉक्टर है ना, दुकान बंद कर देगा, जल्दी चले आओ एकदम। जाता हूँ, जल्दी जाओ। तुझे पहले घर छोड़ूंगा, तू आफत की जा।